नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने केंद्र शिक्षा मंत्रालय को नीट पेपर लीक से जुड़ी अब तक की पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही जांच में मिले अब तक के सारे सबूत और गिरफ्तार आरोपियों के बयान भी दे दिए हैं। सारे वीडियो एविडेंस भी ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपे हैं। तो इधर ईओयू ने बिहार के बाद अब झारखंड में भी पेपर लीक जांच तेज कर दी है। देवघर से पेपर लीक के 6 आरोपी पकड़े गए हैं। सिकंदर की उस गाड़ी पर भी अहम खुलासा हुआ है जिसमें कैंडिडेट के परिजन को लेकर परीक्षा वाले दिन सिकंदर पटना में घूम रहा था। नीट पेपर लीक जांच पर बड़ा अपडेट। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। एक मिस्ट्री कॉल और खुल गई पेपर लीक के सिकंदर की पोल। पांच मई को करीब 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स के भविष्य के साथ हुई खिलवाड़ की जांच में एक से बढ़कर एक खुलासे सामने आ रहे हैं। तो नीट को क्लीन करने की कवायद दिल्ली से लेकर पटना और देवघर तक जारी है। इस बीच पटना पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में ईओयू ने केंद्र सरकार को अब तक की जांच के बारे में पूरी जानकारी दी है, जिसमें पेपर लीक में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों समेत 13 आरोपियों के इकबालिया बयान, अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए पोस्ट डेटेड चेक, पैसे के लेन देन को लेकर मिले सबूत, अब तक की हुई बरामदगी, जब्त किए गए फोन, लैपटॉप, टैब सहित अन्य सामान, जले हुए क्वेश्चन पेपर और वीडियो एविडेंस भी शामिल हैं। रिपोर्ट में 21 जून तक की जांच की पूरी जानकारी दी गई है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट की समीक्षा करके नीट एग्जाम को लेकर आगे का फैसला लेगा। इधर नीट पेपर लीक जांच में NHIB गेस्ट हाउस में आरोपियों के ठहरने के मामले और पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के साथ तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार के रिश्ते को लेकर एक बार फिर NDA के नेता RJD पर हमलावर हैं। हमारे पथ निर्माण विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, इनके PS प्रीतम गेस्ट हाउस बुक कराता है NH का, और जो सिकंदर है वो सिकंदर को ठहराता है, अनुराग यादव को ठहराता है। गिरफ्तारी हुई है, इनको तो जवाब देना चाहिए कि आपका PS वो था है या नहीं। क्यों लटपटा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? अरे सच बोलने में डर क्यों लग रहा है? आपका PS था कि नहीं, अभी भी PS है या नहीं? मंत्री तो कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके लिए कौन सा एक्ट लाएंगे? लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है पूरे बिहार में, पुल गिर रहा है, रेलवे हादसे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, यही है डबल इंजन की सरकार। बिहार से लेकर झारखंड तक के नकल माफिया ईओयू के रडार पर है। सिकंदर, अमित आनंद और नीतीश कुमार ने पेपर लीक की जो कहानी बताई, उसके बाद पेपर लीक का देवघर कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद ईओयू की टीम ने देवघर से पेपर लीक में शामिल 6 आरोपियों को धर दबोचा। सभी को ईओयू की टीम 21 जून को पकड़ी। पकड़े गए आरोपियों में चिंटू भी शामिल है, जिसने मोबाइल फोन पर एग्जाम से पहले नीट का पेपर आया था। पकड़े गए सभी आरोपी एक ही जगह पर छिपे हुए थे। जिसके घर में छिपे हुए थे वो भी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। पकड़े गए सभी आरोपी नालंदा के रहने वाले हैं। पंकु कुमार, परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, चिंटू उर्फ बलदेव कुमार, काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार उर्फ कारू, सभी आरोपियों में कॉमन है नालंदा। पकड़े गए सभी आरोपी नालंदा के हैं। पेपर लीक का नेटवर्क चलाने वाला संजीव मुखिया भी नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू ने छापेमारी तेज कर दी है। इसके लिए 4 जिले पटना, नालंदा, गया और नवादा जिले की पुलिस को अलर्ट किया गया है, लेकिन संजीव मुखिया अब भी फरार है।
5 मई को पटना में सबसे पहला एक्शन पुलिस ने उस एक अज्ञात फोन कॉल के बाद लिया था जिसमें एक सफेद कलर डस्टर गाड़ी का जिक्र था। उसके लीड पर पुलिस ने पटना के राजवंशी नगर के पास सबसे पहले इसी सफेद गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और फिर वो सारे सबूत पुलिस को मिलते चले गए जिसके आधार पर पेपर लीक की जांच इस मुकाम तक पहुंची है। नीट पेपर लीक मामले का खुलासा जिस डस्टर गाड़ी की बरामदगी से हुआ, ये गाड़ी वो है, यही है वो डस्टर गाड़ी जिससे नीट पेपर लीक मामले का खुलासा हो गया और यहीं से लगातार कड़ियां जुड़ती गईं। और ये गाड़ी सिकंदर यादवेंदु की है जो जूनियर इंजीनियर के पद पर दानापुर नगर परिषद में तैनात है और जब वो गाड़ी पे घूम रहा था तो नगर प्रशासन दानापुर का नेम प्लेट भी लगा हुआ था और इस नेम प्लेट के साथ सिकंदर यादवेंदु एक अभ्यर्थी के पिता और बिट्टू नाम के एक ड्राइवर के साथ इस गाड़ी में सवार था। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि एक उजले रंग की डस्टर गाड़ी में पेपर लीक से जुड़े लोग घूम रहे हैं और जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली उसके बाद राजवंशी नगर में एक हनुमान मंदिर के पास पुलिस ने नाकेबंदी की और फिर ये गाड़ी पकड़ी गई, इसे रोका गया। गाड़ी नंबर झारखंड का JH01BW0019 और इसी गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो फिर कई सारी चीज़ें इसमें से मिली।